गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यार अगर आप रियल क्रिकेट 20 के फैन हो तो जाहिर सी बात है रियल क्रिकेट 20 के नए अपडेट का वेट भी कर रहे होगे। देखो यार अपडेट आने में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन अभी आज जो हमारे पास खबर है वो बहुत ही मसालेदार चटपटी खबर है जिसको सुनने के बाद काफी सारी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंच सकती है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भूल के भी आज कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, क्लिक करो और अभी स्थान आर्मी को ज्वाइन कर लो। तो यार जैसा कि आप जानते हैं 2-3 दिन पहले रियल क्रिकेट 20 ने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्टर रिलीज किया था जहां पे वो हमसे पूछ रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है वॉइस ऑफ रियल क्रिकेट। वहां पर इस पोस्टर में कोई इमेज नहीं थी, सिर्फ एक शैडो थी, एक परछाई थी, जहां से ये पहचानना मुश्किल था कि आखिर वो आने वाला कमेंटेटर कौन हो सकता है। लेकिन गाइस इसी बीच एक और खबर निकल के आ रही है सोर्सेस से। अब देखो यार ये जो पूरी न्यूज है ना ये सोर्सेस से निकल के आई है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से निकल के आई है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसके अंदर, लेकिन गाइस जैसे आसार लग रहा है हो सकता है कि ये सच हो। तो अब बात करते हैं एग्जैक्ट न्यूज के बारे में। देखो यार अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा संजय मांजरेकर जो कि काफी पुराने कमेंटेटर है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स से बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, ऑलमोस्ट हर बड़े टूर्नामेंट में वो कमेंट्री करते हैं इंडिया के लिए या फिर इवन बाहर के कंट्रीज के लिए भी। लेकिन गाइस मार्च में जो टूर्नामेंट हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बीच में ही संजय मांजरेकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एंड कर दिया गया था। ये बड़ी अजीब सी बात है गाइस, अगर एक कमेंटेटर इतने टाइम से आपके साथ है, 20 इयर्स से आपके साथ है, उसको आप सडनली कैसे निकाल सकते हो। जाहिर सी बात है बड़े सारे सवाल भी उठे, बीसीसीआई से पूछा गया भाई आप इतने पुराने कमेंटेटर को बाहर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त बीसीसीआई चुप रही और कुछ भी रीजन समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली संजय मांजरेकर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों निकाला गया। और कुछ समय बाद ये खबर आई कि काफी सारे रीजन है जिसके वजह से संजय मांजरेकर का ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड किया गया है, जैसे कि रविंद्र जडेजा के ऊपर जो कमेंट किया तो उन्होंने बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर वाला, इसके अलावा हर्षा भोगले के साथ भी इनकी काफी सारी तूतू मैमे हो चुकी थी वो भी ऑन एयर लाइव कमेंट्री में। तो यार कहा गया कि इन सारे रीजंस के वजह से संजय मांजरेकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड कर दिया गया है। पर यार मैं पर्सनली बताऊं मुझे ये दोनों रीजन वैलिड नहीं लग रहा था, क्योंकि यार ये दोनों इंसिडेंट जो है 2019 में हुआ था, ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले हुआ था। अगर ये गलत था तो बीसीसीआई को पहले रियलाइज करना चाहिए था एक गलती जो इंसान ने 6-8 महीने पहले करी है उस गलती की सजा ऑलमोस्ट अब 1 साल बाद 6-8 महीने बाद कैसे दे सकते हो। और गाइस कमाल की बात यह है कि खबरें अब निकल के आ रही है मुंबई माइनर जो कि एक लोकल रिपोर्टर है मुंबई के अंदर, यहां पर उनके द्वारा यह खबर निकल के आ रही है कि संजय मांजरेकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड इसलिए नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई भी गलती करी थी उस वक्त यानी कि पिछले मैचेस में। एक्चुअल रीजन ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बावजूद यानी कि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वो थे और उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने रोल अप कर लिया, साइन अप कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट था नॉटलेस मोबाइल रियल क्रिकेट 20 का। देखो गाइस काफी सारी न्यूज निकल के आ रही है, यहां पर मैं आपको एक कटआउट दिखा रहा हूं जहां पर देखो पूरा बहुत लंबा सा आर्टिकल है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप आराम से पढ़ लेना, लेकिन यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं ये। मीनवाइल सोर्सेस आल्सो इंडिकेट दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर द होल इंसिडेंट कुड पॉसिबली बी मिस्टर मांजरेकर कॉन्ट्रैक्ट विद नॉटलेस मोबाइल व्हिच इज प्रीमियम मोबाइल क्रिकेट गेम। गाइस पूरी बात ये है यहां पर लिखी हुई कि ये एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है संजय मांजरेकर का वो एंड हुआ था। और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था रियल क्रिकेट 20 का संजय मांजरेकर के साथ। एग्जैक्टली ये चीज यहां पर लिखी हुई है, काफी सारे वेबसाइट्स में भी इस बात का मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा भी साइन किया है यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बावजूद संजय मांजरेकर ने। और जाहिर सी बात है यार बीसीसीआई और यहां पर रियल क्रिकेट 20 के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर रियल क्रिकेट 20 ने जो है राइट्स नहीं खरीदे हैं बीसीसीआई से किसी भी चीज को यूज करने का, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो किसी भी प्लेयर्स का नाम या रियल फेसेस हो, किसी भी चीज का यहां पर राइट्स नहीं लिया है। और ऐसे में अगर संजय मांजरेकर जो कि ऑलरेडी बीसीसीआई के यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में थे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं रियल क्रिकेट 20 तो जाहिर सी बात है यहां पर बीसीसीआई को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। और एग्जैक्टली यही हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट एंड किया और मिस्टर संजय मांजरेकर को बाकी किसी भी मैच में कमेंट्री करने से मना कर दिया। अब देखो यार इस पूरे खबर में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस इस पूरे खबर पे मोहर तब लग जाती है, सच्चाई तब लगने लगती है जब ये जो पोस्टर है रिलीज करती है रियल क्रिकेट 20 ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले, जहां पर ये शैडो देख के लगता है कि शायद ये संजय मांजरेकर हो सकते हैं। देखो कंफर्म नहीं है, यहां पर पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसी परछाई ये काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मे बी ये संजय मांजरेकर हो। हालांकि मुझे अभी भी ये लगता है ये शैडो देख करके, ये पूरा पोस्टर देख करके, कि शायद ये विवेक राजधन
जी हो सकते हैं, वो भी काफी अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो पोस्टर है इसमें जो इमेज दे रखी है, शैडो दे रखी है, ये संजय मांजरेकर सर की ही है। तो देखो यार, अब इस पूरे खबर में कितनी सच्चाई है ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि मैं तो यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूं ये पूरे खबर को सुनने के बाद। अगर ये सच है गाइस, अगर रियल क्रिकेट 20 के वजह से यहां पर एक्स किया गया है संजय मांजरेकर को, तो ये अच्छी बात तो वैसे नहीं है, लेकिन इस बात पे कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि संजय मांजरेकर ही आने वाले हैं एज अ वॉइस ऑफ रियल क्रिकेट आने वाले अपडेट के अंदर, आने वाले मेगा अपडेट के अंदर। और गाइस एंड में मैं फिर से एक बार बोल दूं, देखो ये जो पूरी खबर है ना, ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिली है, थर्ड पार्टी सोर्स से मिली है, छोटा सा एक रिपोर्टर है जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है बीसीसीआई से, ना ही रियल क्रिकेट 20 से। हो सकता है ये पूरी खबर सच हो सकता है ये पूरी खबर सच ना हो। थोड़ा सा और समय दो, थोड़ा सा और इंतजार करो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, अभिस्थान आर्मी को ज्वाइन करो, जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।